राजाओं का वृत्तांत दूसरा भाग अध्याय 18। राजाओं का वृत्तांत दूसरा भाग अध्याय 18। हिजकिय्याह के राज्य का आरंभ। एला के पुत्र इस्राएल के राजा होशे के तीसरे वर्ष में यहूदा के राजा आहाज का पुत्र हिजकिय्याह राजा हुआ। जब वह राज्य करने लगा तब 50 वर्ष का था और 29 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। और उसकी माता का नाम अबी था, जो जकरयाह की बेटी थी, जैसे उसके मूल पुरुष दाऊद ने किया था, जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है वैसा ही उसने भी किया। उसने ऊंचे स्थान गिरा दिए, लाठों को तोड़ दिया, अशेरा को काट डाला और पीतल का जो सांप मूसा ने बनाया था उसको उसने इस कारण चूर चूर कर दिया कि उन दिनों तक इस्राएली उसके लिए धूप जलाते थे। और उसने उसका नाम नहुष्तान रखा। वह इस्राएल के परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखता था और उसके बाद यहूदा के सब राजाओं में कोई उसके बराबर न हुआ और न उससे पहले भी ऐसा कोई ऊंचा था। और वह यहोवा से लिपटा रहा और उसके पीछे चलना न छोड़ा, और जो आज्ञाएं यहोवा ने मूसा को दी थी उनका वह पालन करता रहा। इसलिए यहोवा उसके संग रहा और जहां कहीं वह जाता था वहां उसका काम सफल होता था। और उसने अश्शूर के राजा से बलवा करके उसकी अधीनता छोड़ दी। उसने पलिश्तियों को गाजा और उसके सिवानों तक, पहरों के गुम्मट और गढ़वाले नगर तक मारा। राजा हिजकिय्याह के चौथे वर्ष में, जो एला के पुत्र इस्राएल के राजा होशे का सातवां वर्ष था, अश्शूर के राजा शल्मनेसेर ने शमरोन पर चढ़ाई करके उसे घेर लिया और 3 वर्ष के बीतने पर उन्होंने उसको ले लिया। इस प्रकार हिजकिय्याह के छठवें वर्ष में, जो इस्राएल के राजा होशे का नौवां वर्ष था, शमरोन ले लिया गया। तब अश्शूर का राजा इस्राएल को बंधुआ करके अश्शूर में ले गया और हलह में और गोजान की नदी हाबोर के पास और मादियों के नगरों में उसे बसा दिया। इसका कारण यह था कि उन्होंने अपने परमेश्वर यहोवा की बात न मानी, वरन उसकी वाचा को तोड़ा और जितनी आज्ञाएं यहोवा के दास मूसा ने दी थी उनको टाल दिया और न उनको सुना और न उनके अनुसार किया। सन्हेरीब की चढ़ाई और उसकी सेना का विनाश। हिजकिय्याह राजा के 14वें वर्ष में अश्शूर के राजा सन्हेरीब ने यहूदा के सब गढ़वाले नगरों पर चढ़ाई करके उनको ले लिया। तब यहूदा के राजा हिजकिय्याह ने अश्शूर के राजा के पास लाकिश को कहला भेजा कि मुझसे अपराध हुआ, मेरे पास से लौट जा और जो भार तू मुझ पर डालेगा उसको मैं उठाऊंगा। तो अश्शूर के राजा ने यहूदा के राजा हिजकिय्याह के लिए 300 किक्कार चांदी और 30 किक्कार सोना ठहरा दिया। तब जितनी चांदी यहोवा के भवन और राजभवन के भंडारों में मिली उस सबको हिजकिय्याह ने उसे दे दिया। उस समय हिजकिय्याह ने यहोवा के मंदिर के किवाड़ों से और उन खंभों से भी, जिन पर यहूदा के राजा हिजकिय्याह ने सोना मढ़ा था, सोने को छीलकर अश्शूर के राजा को दे दिया। तो भी अश्शूर के राजा ने तरतान, रबसारिस और रबशाके को बड़ी सेना देकर लाकिश से यरूशलेम के पास हिजकिय्याह राजा के विरुद्ध भेज दिया। सो वे यरूशलेम को गए और वहां पहुंचकर ऊपर के पोखरे की नाली के पास धोबियों के खेत की सड़क पर जाकर खड़े हुए। और जब उन्होंने राजा को पुकारा तब हिल्किय्याह का पुत्र एल्याकीम, जो राजघराने के काम पर था, और शेबना जो मंत्री था, और आसाफ का पुत्र योआह जो इतिहास का लिखने वाला था, ये तीनों उनके पास बाहर निकल गए। रबशाके ने उनसे कहा, हिजकिय्याह से कहो कि महाराजाधिराज अर्थात अश्शूर का राजा यो कहता है कि तू किस पर भरोसा करता है, तू जो कहता है
कि मेरे यहां युद्ध के लिए युक्ति और पराक्रम है, सो तो केवल बात ही बात है। तू किस पर भरोसा रखता है कि तूने मुझसे बलवा किया है? सुन, तू तो उस कुचले हुए नरकट अर्थात मिस्र पर भरोसा रखता है। उस पर यदि कोई टेक लगाए तो वह उसके हाथ में चूप कर छेदेगा। मिस्र का राजा फिरौन अपने सब भरोसा रखने वालों के लिए ऐसा ही है। फिर यदि तुम मुझसे कहो कि हमारा भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है, तो क्या यह वही नहीं है जिसके ऊंचे स्थानों और वेदियों को हिजकिय्याह ने दूर करके यहूदा और यरूशलेम से कहा कि तुम इसी वेदी के सामने जो यरूशलेम में है दंडवत करना? तो अब मेरे स्वामी अश्शूर के राजा के पास कुछ बंधक रख, तब मैं तुझे 2000 घोड़े दूंगा। क्या तू उन पर सवार चढ़ा सकेगा कि नहीं? फिर तू मेरे स्वामी के छोटे से छोटे कर्मचारी का भी कहा न मानकर क्यों रथों और सवारों के लिए मिस्र पर भरोसा रखता है? क्या मैंने यहोवा के बिना कहे इस स्थान को उजाड़ने के लिए चढ़ाई की है? यहोवा ने मुझसे कहा है कि उस देश पर चढ़ाई करके उसे उजाड़ दे। तब हिल्किय्याह के पुत्र एल्याकिम और शेबना युवाह ने रबशाके से कहा, अपने दासों से आरामी भाषा में बातें कर, क्योंकि हम उसे समझते हैं और हमसे यहूदी भाषा में शहरपनाह पर बैठे हुए लोगों के सुनते बातें न कर। रबशाके ने उनसे कहा, क्या मेरे स्वामी ने मुझे तुम्हारे स्वामी ही के व तुम्हारे ही पास ये बातें कहने को भेजा है? क्या उसने मुझे उन लोगों के पास नहीं भेजा जो शहर पनाह पर बैठे हैं, ताकि तुम्हारे संग उनको भी अपनी विष्ठा खाना और अपना मूत्र पीना पड़े? तब रबशाके ने खड़े हो यहूदी भाषा में ऊंचे शब्द से कहा, महाराजाधिराज अर्थात अश्शूर के राजा की बात सुनो। राजा यो कहता है कि हिजकिय्याह तुमको भुलाने न पाए, क्योंकि वह तुम्हें मेरे हाथ से बचा न सकेगा, और वह तुमसे यह कहकर यहोवा पर भरोसा कराने न पाए कि यहोवा निश्चय हमको बचाएगा और यह नगर अश्शूर के राजा के वश में न पड़ेगा। हिजकिय्याह की मत सुनो। अश्शूर का राजा कहता है कि भेंट भेजकर मुझे प्रसन्न करो और मेरे पास निकल आओ, और प्रत्येक अपनी अपनी दाखलता और अंजीर के वृक्ष के फल खाता और अपने कुंड का पानी पीता रहे। तब मैं आकर तुमको ऐसे देश में ले जाऊंगा जो तुम्हारे देश के समान अनाज और नए दाख मधु का देश, रोटी और दाख बारियों का देश, जलपायु और मधु का देश है। वहां तुम मरोगे नहीं, जीवित रहोगे। तो जब हिजकिय्याह यह कहकर तुमको बहकाए कि यहोवा हमको बचाएगा, तब उसकी न सुनना। क्या और जातियों के देवताओं ने अपने अपने देश को अश्शूर के राजा के हाथ से कभी बचाया है? हमात और अरपात के देवता कहां रहे? सपवैम, हेना और इव्वा के देवता कहां रहे? क्या उन्होंने शोमरोन को मेरे हाथ से बचाया है? देश देश के सब देवताओं में से ऐसा कौन है जिसने अपने देश को मेरे हाथ से बचाया हो? फिर क्या यहोवा यरूशलेम को मेरे हाथ से बचाएगा? परंतु सब लोग चुप रहे और उसके उत्तर में एक बात भी न कही, क्योंकि राजा की ऐसी आज्ञा थी कि उसको उत्तर न देना। तब हिल्किय्याह का पुत्र एल्याकिम जो राजघराने के काम पर था, और शेबना जो मंत्री था, और आसाप का पुत्र योआह जो इतिहास का लिखने वाला था, अपने वस्त्र फाड़े हुए हिजकिय्याह के पास जाकर रबशाके की बातें कह सुनाई।